पाबंदी खत्म हो गई है एक साल से, तो उमर अकमल का भी तो नाम हम कहीं नहीं देख रहे। क्या ये क्रिकेट से उनकी खैर बाद है? देखिए उमर का फिर ये आता है तो इंशाल्लाह कल या आज होगा, कल तो उसके बाद वो क्या नाम है सीरीज में नजर आएगा, डोमेस्टिक सीजन होगा तो इंशाल्लाह उसमें खेलेगा। देखिए एकदम से मैं इस साथ में नहीं हूँ, क्यों एक साल टीम बाहर रहा, क्रिकेट के साथ नहीं है, फील्ड में नहीं रहा, ट्रेनिंग तो करता रहा, अब उसकी पाबंदी खत्म हुई है तो इंशाल्लाह वो फील्ड में आए, मेहनत करे, परफॉर्मेंस दिखाए और टीम में आए विदाउट परफॉर्मेंस। मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं, चाहे उम्र है चाहे कोई भी है, क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये बड़ा अच्छा एक आपने पॉइंट किया। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमें नहीं समझा, शर्जील खान की बात की जाए, शर्जील खान ने परफॉर्मेंसेस दी यस, और वो टीम में वापसी आई उनकी, मतलब बनता भी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और इस वजह से वो वापस आए। लेकिन अगर फिटनेस की बात कीजिए तो मिस्बा ने तो उनको एक टाइम पे कहा था जब वो 95 kg के अराउंड थे कि नहीं ही इज नॉट फिट टू बी सिलेक्टेड इनफ, और अब जब वो मेरा ख्याल 110-112 kg के अराउंड हो गए तो तब उनकी सिलेक्शन हो गई है। एक फिटनेस का क्वेश्चन है कि शर्जील के फिटनेस, दूसरा सवाल यहाँ पे देखें ये सारी फिजूल बातें हैं, फिटनेस फिटनेस वो फिट है, क्रिकेट खेल रहा है, फिट है, सो कर रहा है, देखे परफॉर्मेंस के आगे कोई कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एथलीट अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता, अच्छा क्रिकेटर जिसकी परफॉर्मेंस है स्किल वो अच्छा एथलीट हो सकता है, मेजर के साथ खेलता रहे तो ये चीजें गलत है सारी। ये सिर्फ मैंने कहा ना कि मुझे आसर के दौर में आएंगे सारी चीजें जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान हुआ है, परफॉर्मेंस से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर वो फिट नहीं होगा तो वो शो भी नहीं करेगा, फिट नहीं होगा वो फील्डिंग भी नहीं 20 ओवर कर सकेगा, वो 20 ओवर फील्डिंग भी करता है, 4 ओवर फील्डिंग भी करता है, डोमेस्टिक में उसने छोटे क्रिकेट भी खेली है, वहाँ पे भी उसने परफॉर्मेंस दी। सर स्क्वाड में आपने देखा होगा जैसे मोहम्मद रिजवान और सरफराज दोनों को रखा गया है, दोनों विकेट कीपर बैट्समैन है और दोनों की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही है पीएसएल 6 में, दोनों तीनों फॉर्मेट्स में आ रहे हैं, तो ये क्या है, कैसे नजर आ रहा है आपको? दोनों होने भी चाहिए, रिजवान को तो उसमें तो कोई क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए परफॉर्मेंस का, ना उसके मुताबिक सोचना चाहिए कि वो उसकी जगह सरफराज को खिलाए या किसी और को खिलाए, रिजवान की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है और सरफराज सेकंड विकेट कीपर जरूरी है, हर टीम में होता है, कंकशन का बोल लगने का भी होता है कि विकेट कीपर को विकेट कीपर रिप्लेस कर सकता है ड्यूरिंग मैच, तो अच्छी सिलेक्शन है, अच्छी अच्छा है कि दोनों दो विकेट कीपर जाते हैं, डिपेंड है जिसको मौका मिलेगा और परफॉर्मेंस में बिल्कुल ऐसे ही रिजवान लीड कर रहे हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दो इम्पोर्टेंट सिलेक्शंस हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दो सवाल है। एक तो ये कि इमाद वसीम T20 स्पेशलिस्ट हैं, उनको क्या सोच के किस बना के ऊपर ही इज नॉट इन द स्क्वाड, एंड सेकेंडली क्या असद शफीक का टेस्ट करियर खत्म हो चुका है? देखिए इस वक्त देखिए असद शफीक को जितने मैचेस मिले थे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी जिसकी वजह से ड्रॉप किया थे, जान महसूस भी है, लेकिन जहाँ देखा जा रहा है कि आप देखेंगे इमाद वसीम को जैसे ड्रॉप किया कि इरफानवी बेहतर थी, लास्ट सीरीज में उसने रेस्ट मांगा था, उसकी फैमिली प्रॉब्लम थी, किसी में रेगुलर मेंबर था, उसको इतना नवेस्ट किया, ठीक है वनडे में आप देखिए इरफानवी उसकी 4.88 की है एक्सेलेंट कॉलिंग और T20 में भी नंबर 1 वो रहा है, बड़ी जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस नया बॉल है, लेकिन ये चीज एकदम से साइड लाइन कर देना वो ठीक नहीं है किसी भी प्लेयर को, आप उसे एटलीस्ट पास करें, कोई रीजन बताएं, जहाँ 2 लाख स्पिनर रख सकते हैं 2 लाख स्पिनर भी रख सकते हैं, लास्ट सीरीज में भी तो दिलवाज और जफर गोर था वो भी तो रखा हुआ था, तो ये चीजें करके आपने प्लेयर को देखें जो वर्ल्ड कप के लिए आपने लेके जाने हैं उनको कॉन्फिडेंस दें। मैं तो ये भी सरप्राइज हुआ हूँ, आप इमाद सिंह की बात कर रहे हैं, मैं शुएब मलिक की भी बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कि आप इसके बाद क्या कोई भी नहीं परफॉर्मेंस दे रहा, आप जबरदस्ती खिलाते जाएंगे सबको खिलाएंगे एक आने में तो वो परफॉर्मेंस कर ही जाएंगे, मुझे टेस्ट मैच की टीम बताते हैं कि टेस्ट मैच में मामूल आपकी प्लेस पे ड्रॉप होगा, 1.5 साल आपने टीम के साथ रखा, जब उसका मौका आया तो आप उसको कह रहे हैं कि वो रेड बॉल क्रिकेट का अभी तैयार नहीं है, इसको पागल बना रहे हैं, पाकिस्तान की टीम है, सिटी मोहल्ले की टीम है, बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे सिटी और गली मोहल्ले वाली सिलेक्शन हमें नजर आ रही है, और शुआब मलिक की सिलेक्शन ना होना वो भी एक अजीब सा मामला है जो कि हल होना चाहिए T20 फॉर्मेट के अंदर, खास तौर पर T20 हमारे सर के ऊपर, और हफीज और मलिक के बगैर मुझे नहीं नजर आता है, दिखती नहीं है ये साइड जीतती हुई, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाता है अगर हम T20 की बात की जाए, लेकिन गुड इनफ के अच्छी सिलेक्शन और भी है, हैदर अली का नाम वहां पे आया है और हैदर अली से उम्मीद की जा सकती है कि वो ओवरऑल परफॉर्म कर ले। फाइनल क्वेश्चन, अगर हम कामरान आपकी तरफ बढ़े और आपसे जानने की कोशिश करें,
कामरान हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। कामरान के साथ शायद हमारी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, उनसे आखिरी क्वेश्चन जानने की कोशिश हम कर रहे थे, लेकिन गुड एनफ जितना भी मटेरियल हम तक आया सफिशिएंट एनफ है ना। मिडिल ऑर्डर अच्छे पॉइंट्स हैं यार, देखिए दो तीन पॉइंट भी सबसे अच्छे लगे। काम उमर अकमल भी उन्होंने कहा कि ही इज नॉट रेडी, अच्छा पॉइंट है, मतलब उसमें वो कुछ ऑल्दो आई थॉट के ही शुड बैक बी बैक इन द टीम बिकॉज उनको तो बिल्कुल क्लियरेंस मिल गई हुई है और ही वॉज ट्रेनिंग एज वेल आई नो दैट, बट अब उनका टीम में चांस देने से ही पता लग सकता है क्योंकि परफॉर्मेंस कैसी होगी एंड इज ही फिट और इज ही अनफिट, इज ही बेटर एंड कैन ही परफॉर्म वेल फॉर द टीम और नॉट। सो दैट्स फाइन, ही वॉज स्पीकिंग ऑन द मैरिट ऑफ हिज ब्रदर, दैट्स मोर वाइज।